वेलकम टू एडू जोस। एडू जोस में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 16 अगस्त के सभी शिफ्ट के SSC MTS के क्वेश्चन देखेंगे जो पूछे गए हैं। GK GS के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट को मिलाकर, इन सभी शिफ्ट के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF फाइल भी आप हमारी वेबसाइट से और टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वेबसाइट से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है राष्ट्रीय आपात। अच्छा देखिए, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजा है उनका नाम है रेणु शर्मा, संतोष कुमार, निखिल, कुलदीप, चंदन, मोहम्मद इंसार, अरुण कुमार यादव। इन सभी लोगों ने हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किया था, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे साथ इन लोगों ने शेयर किए हैं जिनका जिस शिफ्ट में एग्जाम था उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय आपात 1976 के समय संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था? तो ये 42वां संशोधन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सबसे दक्षिणतम पठार जो है वो कौन सा है? दक्कन का पठार, जिसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। देखिए राज्यों में भी निर्वाचन आयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है पंचायत चुनाव कराने की, यानी पंचायती राज के अंदर ये चीज़ का इस चीज़ का वर्णन है कि जो पंचायत के चुनाव होंगे वो राज्य के निर्वाचन आयोग करेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए शोर मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में, जो कि तमिलनाडु में है, और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की SI इकाई क्या है? तो यह है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चित्रकार राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये केरल से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पीकॉक आइसलैंड जो है वो कहाँ पर है? असम में है। अगला क्वेश्चन है कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार गुलाबी रंग में पेश किया गया था? 2017-18 में। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती है? ऑप्शन था बनास, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा बनास। नेक्स्ट यहाँ पर है GDP के बारे में पूछा गया था। तो देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर GDP के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर तो फुल फॉर्म पूछा जाता है या फिर करंट में GDP रेट क्या है वो पूछा जाता है। तो देखिए GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग है सकल घरेलू उत्पाद। अगर कुछ आपको क्वेश्चन याद है इससे संबंधित तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिन्हें केवल एक अक्षर से दर्शाया गया है? तो ऐसे 14 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाफ्टा अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? रामी मालिक को और ओलिविया कॉलमैन को, जिसमें ऑप्शन दिया गया था आज के एग्जाम में रामी मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु का नाम वॉल्फ्राम जो है वो कहा जाता है? किस धातु को? टंगस्टन को कहते हैं, और टंगस्टन का जो सिंबल है वो W से होता है, डिनोट करा जाता है इसीलिए, क्योंकि इसका नाम है वॉल्फ्राम। नेक्स्ट यहाँ पर है वांगला फेस्टिवल यानी वांगला उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेघालय, नागालैंड और असम, तीनों राज्यों में मनाया जाता है। जो भी आपके ऑप्शन में आज दिया गया था उसके हिसाब से आपको वो आंसर टिक करना था। नेक्स्ट यहाँ पर है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त कर दिया था? देखिए चौरी चौरा कांड, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि इसी कारण से जो है उन्होंने ये आंदोलन को समाप्त किया था। चौरी चौरा कांड में जो है बहुत सारे सिपाही को आग लगाकर जला करके उनको मार दिया गया था, और इसके विरोध में इन्होंने असहयोग आंदोलन को, ये घटना जो इससे काफ़ी दुखद हुए थे महात्मा गांधी, और इसी के इसमें जो है असहयोग आंदोलन को उन्होंने समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? ब्रजेश मिश्रा इसका नाम था। नेक्स्ट यहाँ पर है वर्तमान में देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है ये कमेंट करके आप सभी को बताना है। ऊपरी सदन या उच्च सदन जो है वो किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को कहा जाता है। आप सभी को पता है निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, उसी तरह से राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन या फिर ऊपरी सदन। भारत में जेंडर गैप बजट या जेंडरिंग बजट जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005-06 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है नो बॉल, फाइन लेग, मिड विकेट सब जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये सबको पता है क्रिकेट से रिलेटेड ये वर्ड है। अगला क्वेश्चन है मैरी कॉम, जिनको शानदार मरियम के नाम से भी जानते हैं, आपको ये याद रखना है कि इनका नाम है शानदार मरियम भी, और ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। सवाल पूछा गया था मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली हैं?
तो ये मणिपुर की है। एक्स्ट्रा यहाँ पर जो क्वेश्चन है दो, शानदार मरियम इन्हीं का दूसरा नाम है, ठीक है। जैसे हिमा दास का नाम ढिंग एक्सप्रेस है, उसी तरह से आपको इनका नाम याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के कोच कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टीफन फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस टीम के कोच कौन है? तो ये देखिए महिला जयवर्धने हैं इसके, मुंबई इंडियंस के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्टील में कौन सा तत्व तो नहीं पाया जाता है? तो ये देखिए ऑप्शन बेस्ड है, जब तक यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं आएगा इसको हम नहीं कह सकते इस क्वेश्चन का। तो स्टील के अंदर जो तत्व तो पाए जाते हैं वो आप जरूर याद रखिए, स्टेनलेस स्टील था या फिर स्टील था। देखिए इसमें जो तत्व तो पाया जाता है वो है लोहा, कार्बन, क्रोमियम और मैग्नीज। ये चारों चीज़ पाई जाती है स्टील के अंदर। दोस्तों अगर आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी भी स्टेट लेवल के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है। एलबुक की तरफ से ये बुक आई है जिसमें 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल है ये, जिसके अंदर जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन, और 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके बाद 20 फ्री मॉक टेस्ट। इन सभी को मिलाकर लगभग 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इनकी वेबसाइट पर कंडक्ट कराया जाएगा और आप सभी को इसकी वेबसाइट पर ही लॉगिन करके ये मॉक टेस्ट देना है। ये बुक जो लैंग्वेज है इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने अपने माध्यम जो भी आप लेना चाहते हैं उस माध्यम पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी कीमत रखी गई है एलबुक की तरफ से 35 रुपये। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर हैं, जीके के क्वेश्चन इस बुक के अंदर नहीं है। जनरल साइंस के क्वेश्चन मैथ एंड रीजनिंग के और करंट अफेयर्स के, साथ में कुछ मॉक टेस्ट, और लैंग्वेज जो बुक की है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताना है आपको, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि नाम है उसका जायेद मेडल, और ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अगर रेपो रेट कम हो जाती है तो क्या होगा? रेपो रेट अगर कम करता है आरबीआई तो बैंक से मिलने वाला जो कर्ज होता है वो सस्ता होगा, ठीक है। जो लोन लिया जाता है वो सस्ता होगा, अगर रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ता होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन है, नील नदी कहाँ से होकर बहती है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था तंजानिया और मिस्र, यहाँ पर दो ही ऑप्शन हमारे सामने आया। तो देखिए इन दोनों जगह से नील नदी जो है वो बहती है, आगे जो ऑप्शन होता है उसमें हम देख सकते थे कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, 50 रुपये में नए नोट के पीछे किसका चित्र है? हमने कई बार बताया कि रुपये के जितने भी नए नोट हैं उसके पीछे कुछ न कुछ चित्र अंकित है, तो उस चित्र को आप याद कर लीजिए कि किसका चित्र है। तो 50 रुपये के पीछे हम्पी का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चंडीगढ़ को किसने डिज़ाइन किया था? चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था वास्तुकार ली कोर्बुजिए ने। अगला क्वेश्चन है, ई दृष्टि सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा, रेलवे मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसानी से पता लगे, जो रेल जो है समय से चल रही है या नहीं चल रही है उसकी पूरी जानकारी इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है आ जाएगी। ये डेवलप किसने किया है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस, जो कि भारत सरकार का ही एक अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि आईटी देखता है भारत सरकार का, ये आईटी देखता है रेल मंत्रालय के अंदर, ये क्रिस इसका नाम है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक जो है वो किस टॉपिक पर आधारित है? ये पुस्तक मलाला यूसुफजई की है, जो कि पाकिस्तान की थी, ठीक है। उन्होंने ये बुक लिखी थी, वी आर डिस्प्लेस्ड, जो कि स्टोरी बताता है रिफ्यूजी गर्ल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में जितनी भी रिफ्यूजी गर्ल हैं उनकी स्टोरी और उनकी खुद की स्टोरी भी बताता है ये बुक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उत्तर प्रदेश कितने राज्य की सीमा साझा करता है, कितने राज्यों के साथ? तो 8 राज्यों के साथ, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर ली गई होती तो इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली से भी शेयर करता है। तो अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर पूछे तो 9 आंसर होगा, और डायरेक्ट अगर राज्य है तो 8 होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, इस पर मुझे डाउट है, साइकिलिंग के स्थान को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है मेरे पास। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या था ऑप्शन और क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक अगला क्वेश्चन है, 5 पॉइंट संबंध पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी अच्छी बुक है, चेतन भगत ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जिसको कहते हैं, तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। अब आपको कमेंट करके हमें बताना है कि जॉर्डन की जो करेंसी है, ठीक है, वहाँ की मुद्रा बताइए कमेंट करके कि वहाँ की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वीरा पांड्या कट्टा बोमन कौन थे? तो
ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है युद्ध शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने ईस्ट इंडिया की कंपनी का जो कुछ मांग थी उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया था और उसके बाद ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि MPC कहते हैं, इसमें कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं? तो 6 मेंबर हैं, ये उसमें पूछा गया था। आज अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, कालिमपोंग शहर किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य या फिर इनका दूसरा नाम है कौटिल्य। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन रहा आप उस पर टिक करेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक हो गए चाणक्य या फिर कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव या रण त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। दोस्तों देखिए, CHSL का हमने पूरा एनालिसिस किया हुआ है और इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। PDF फाइल जो है पूरा ऑफिशियल 2500 क्वेश्चन का पूरा एक कलेक्शन है जिसके अंदर GK, GS, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन है उसके अंदर। तो टोटल ऑफिशियल आंसर की है जो 25 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था CHSL 2019 का, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन 2019 के MCS के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कान के किस भाग से ध्वनि एकत्रित होती है? तो कान का ये बाह्य कर्ण जो होता है एक्सटीरियर ईयर, इसी से ये एकत्रित होती है। इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, कान के किस भाग से ध्वनि गुजरती है? तो ये कर्ण नलिका जिसको ईयर कैनाल कहते हैं, यहाँ से ध्वनि गुजरती है और जहाँ से ध्वनि टकराती है उसको कहते हैं ईयर ड्रम। कान के किस भाग पर ध्वनि टकराती है? कर्णपटल या फिर ईयर ड्रम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि लौटाई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन अब तक 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे संबंधित इसी SSC MTS के एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, CAG जिसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट यहाँ पर है, गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था? अहमदाबाद के दांडी में। ठीक है, ये दांडी मार्च चलाया था इन्होंने, साबरमती से स्टार्ट किया था इन्होंने और अहमदाबाद के साबरमती से और दांडी में जाकर इसको ख़त्म किया था। नमक कानून में उन्होंने एक मुट्ठी नमक खुद से बनाकर इस कानून को तोड़ा था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्ति, अनुपस्थिति या फिर त्यागपत्र के बाद उनके कार्य को कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंटरपोल जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके इंटरपोल के प्रेसिडेंट जो हैं वो किस देश के हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो दक्षिण कोरिया के हैं, जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, दक्षिण कोरिया या रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये वर्तमान में इंटरपोल के प्रेसिडेंट हैं कौन, ये भी जान लीजिए, किम जोंग यांग ये हैं, और ये कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दिया, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्य पूछा गया था। तो देखिए, इसका कार्य जो है वो मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना सिखाना जो है ये इसका काम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर के ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2019 किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, चमगादड़ कौन सा तरंग उत्पन्न करता है? प्रास्रव्य तरंग उत्पन्न करता है चमगादड़। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन जो आज के तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका PDF फाइल आप हमारी वेबसाइट से ठीक 1 घंटे बाद डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपको PDF जो है 9:30 बजे आपको PDF वेबसाइट पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।